हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल और अली सनी ब्लॉग में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, अभी सुबह का 12 बज रहा है, तो 12 बजे ब्लॉग शुरू कर रहे हैं दोस्तों। तो दाल चावल तो मेरा बन गया है दोस्तों। तो अभी देखिए यहाँ का मौसम किस तरह से है और कितना धूप निकला है। तो अभी गर्म भी लग रहा है, तो सिर्फ सब्ज़ी बनाना बाकी है दोस्तों। तो आज पनीर का सब्ज़ी बनाएंगे, तो हम किस तरह से बनाएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए फिर बनाते हैं दोस्तों। दोस्तों, अभी पनीर का सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे पनीर है, बाकी डाला पनीर है। तो इस यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए चढ़ाया है। तो पानी गर्म हो गया, इसमें इसको डाल देते हैं और थोड़ा सा उबालेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए ना। बहुत हार्ड है, फिर अच्छे से उबल गया है और सॉफ्ट भी हो गया है। अब इसे निकाल लेते हैं। और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, पानी को सब निकाल दिए हैं। तो दोस्तों, दाल चावल बन भी गया है। अब इसमें थोड़ा सा तेल डाला है। और प्याज और लहसुन को पहले भुनेंगे। तो थोड़ा सा अदरक भी डाल देते हैं। थोड़ा सा भून गया है। अब यहाँ पे दो थोड़ा टमाटर काट के रखे हैं और इसे भी डाल देते हैं, इसे भी साथ में भूनेंगे। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। तो दोस्तों, अच्छे से टमाटर गल गया है। तब इसे निकाल देते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद इसका पेस्ट बनाएंगे। तो दोस्तों, इसे ठंडा होने के लिए थोड़ा सा रखेंगे, उसके बाद इसका पेस्ट बनाएंगे, उसके बाद सब्जी बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अच्छे से पेस्ट बना लिया है और कढ़ाई गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। अब इसमें तेल डालेंगे। तो देखिए पनीर कितना सॉफ्ट हो गया है। अब इसे काट लेते हैं पहले। तो दोस्तों, तेल गरम हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं फ्राई होने के लिए। तो अच्छे से इसे फ्राई कर लेते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों, सब तल लिए हैं पहले और हो गया है सब। अब इसे निकाल लेते हैं। तो इतना तल के निकालेंगे। अब इसमें मसाला डालेंगे दोस्तों। अब इसमें सब सारे मसाला डाल दिए हैं, गोलकी पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी और गरम मसाला और पनीर पाउडर भी, पनीर मसाला भी डाला है इसमें। तो मसाला पहले भून लेते हैं। तो
तो दोस्तों नमक नहीं डालेंगे, पहले नमक डाला है मसाला भूनने समय। तो देखिए दोस्तों मसाला अच्छे से भुना गया है, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है। अब इसमें थोड़ा सा शक्कर डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और थोड़ा सा टमाटर सॉस डालेंगे। तो मसाला डबक गया है दोस्तों, अब इसमें पनीर को भी डाल देते हैं। और थोड़ा सा अच्छे से डबकने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों ये अच्छे से बन गया है, देखिए कितना अच्छा बना है। तो देखिए दोस्तों ये बन के रेडी हो गया है। तो देखिए दोस्तों इसका ग्रेवी भी कितना गाढ़ा है। दोस्तों खाना लगाने जा रहे हैं, दोस्तों खाना लगा दिए हैं तो अभी देने जा रहे हैं। तो दोस्तों हम अपने लिए भी निकाले हैं, तो दाल नहीं लिए हैं, सिर्फ सब्जी और भात लिए हैं, पनीर का सब्जी और चावल। तो दोस्तों हम लोग खाना खा लिए हैं, तो अभी शाम का 4 बज रहा है, तो अभी बर्तन साफ करना भी बाकी है, अभी बर्तन साफ नहीं किए हैं। तो देखिए दोस्तों इतना सारा बर्तन अभी रखा है साफ करने के लिए, तो इसे साफ करेंगे अभी। तो अभी दूध गर्म होने के लिए चढ़ाए हैं दोस्तों, तो यहाँ पे भी दूध गर्म हो रहा है, तो दूध गर्म हो गया है, तो अभी बर्तन को साफ करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे रखते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, और तब तक के लिए बाय।